Hello guys, welcome to Textbook Super Coaching. I'm Kaupika Khurana, your quants educator. This session is very much important for you guys. AAAI executive की जो vacancy out हुई है, ठीक है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है AAAI junior executive syllabus. मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि इस एग्जाम को तैयार करने के लिए आप लोगों को किस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि आप डाउट में होंगे कि भाई लेवल क्या रहेगा एग्जाम का. तो कंप्लीट एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ अंत तक. तो आइए जरा बात कर लेते हैं. जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्या रहेगा पैटर्न, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम में, इसका प्लस पॉइंट है. मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ऑर्गेनाइजेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली है. जो पोस्ट इसमें है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसके अंदर जो कवर कर रहे हैं, इट इज कॉमन कैडर, फाइनेंस, फायर सर्विस एंड लॉ. एग्जाम का मोड रहेगा ऑनलाइन, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस, आप लोगों को क्वेश्चंस को टिक करना होगा. मार्किंग स्कीम बताऊं तो मैं 1 mark फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है. नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग. जैसे ही मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है. आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्या होने वाला है पेपर का पैटर्न. आपके इस एग्जाम के अंदर आप लोगों को दिखने वाले 4 sections, ठीक है, और 4 section को यहां पर अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है मार्क्स में. मतलब अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग का 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स के, 1 mark ईच क्वेश्चन, वो तो पहले ही पता चल चुका है ना. जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 35 questions विल बी देयर, और आपको 35 questions 35 marks डेफिनेटली. इंग्लिश का 35 questions, क्वांट्स का आएगा 40 questions. इस हिसाब से टोटल 150 questions एग्जाम में होंगे. और अगर मैं टाइम लिमिट बताऊं, आपको 120 minutes का टोटल टाइम दिया जाएगा. तो ये रहेगा एग्जाम का पैटर्न. अब दिक्कत ये है कि सिलेबस क्या है ना, जो आपके माइंड में चल रहा होगा एग्जाम पैटर्न आप लोगों ने देख लिया, सिलेबस क्या रहने वाला है और लेवल ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है. तो आइए जरा सिलेबस तक चलते हैं, और आप लोगों को किस एग्जाम तक की सोच के तैयारी करनी है, ठीक है, आपको किस लेवल तक सोच के तैयारी करनी है, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, ठीक है. तो आप पूरा अच्छे से देखिए, एक एक टॉपिक पे गौर करिएगा. यू नहीं है कि आपने अपने हिसाब से माइंड सेट कर रखा है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने जो भी जनरल अवेयरनेस को तैयार कर रखा है, नहीं, एग्जाम में स्पेशल जो मेंशन है उन चीजों पे फोकस करना आपका बहुत जरूरी है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंट, करंट इवेंट्स, एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस साफ साफ मेंशन कर रखा है. हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, ठीक है, इट्स पॉलिटी आई थिंक सो, है ना, पॉलिटी, यस, मे बी जनरल पॉलिसी, मे बी पॉलिटी, ठीक है. साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडिया, इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ओके, हमारी नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है. मैं एक बार इस वर्ड को एक बार आपको मैं बता देती हूँ, मैं एक्चुअल PDF में, ताकि कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना आए, मैं 1 second के अंदर आपको देख के बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ एग्जाम के रिगार्डिंग आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, इसकी ओरिजिनल जो मेरे पास PPT है, मैं उसमें से आपको 2 second के अंदर बता देती हूँ. आई वॉन्ट कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए जब आप तैयारी करें. इट इज जनरल पॉलिसी, ठीक है, जो पॉलिसीज होती है रिगार्डिंग उसके होगा, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है. वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पोर्ट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, एंटोनिम, स्पेलिंग, डिटेक्शन मिसस्पेल्ड, इडियम फ्रेजेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. लो, बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा. मतलब हम जहां तक देख पा रहे हैं, लेवल ऑफ एग्जाम शुड बी ग्रेट, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं है जो छोड़ा रहा हूँ. एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, कन्वर्जन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आप लोगों को क्लोज पैसेज दिखेगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिखेगा, पैराग्राफ फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, आप लोगों को एटलीस्ट 1 based ऑन बुक स्टोरी, अदर ऑन करंट अफेयर्स, ओके, ये आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यहाँ पे हो सकता है, आप लोगों को ब्रीफ समराइज करना पड़ जाए, ठीक है. तो ये सारा कुछ होगा, इट इज काइंड ऑफ ये आप लोगों को बैंकिंग एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोज पैसेज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है. तो चलेंगे जरा आगे हम लोग. अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स. क्वांट्स में एडवांस मैथ्स को आपको अच्छे से देखने को मिलेगा. देखो जरा, कॉम्पिटिशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्सचर, इरिगेशन, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रायंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स, ट्रायंगल आ गया, पूरा का पूरा ज्योमेट्री इंक्लूड हो गया, सर्कल की प्रॉपर्टीज इंक्लूड होगी, पॉलीगन, 3D शेप्स इंक्लूड कर दी, ट्रिगोनोमेट्रिक पूरा का पूरा इंक्लूड है, डिग्री एंड रेडियंस मेजर इंक्लूडेड है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, हिस्टोग्राम,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये जो स्टेटिस्टिक्स का पार्ट होता है, बार डायग्राम, पाई चार्ट, यानी डीआई भी इंक्लूडेड है, स्टेटिस्टिक भी इंक्लूडेड है, मीन मोड मीडियन वो जो पार्ट होता है स्टेटिस्टिक्स का, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा. तो दिस इज काइंड ऑफ पूरा का पूरा सीजीएल पैटर्न. ठीक है, इसको मैं बैंकिंग नहीं बोलूंगी क्योंकि बैंकिंग के अंदर हमारा एडवांसमेंट नहीं आता है. तो ये पूरा का पूरा सीजीएल पैटर्न है. मैंने इंग्लिश वाले को बैंकिंग पैटर्न इसलिए बोला क्योंकि वो लेवल वैसा ही रखेंगे. थोड़ा सा आपको इंग्लिश को अच्छे से तैयार करना होगा. मतलब आप अगर इस एग्जाम को सीरियस लेके चल रहे हैं, यू वॉन्ट दिस जॉब, तो आप प्लीज तैयारी भी उस लेवल की करिएगा. अब इसको देखते हुए मैं अपने सेशंस लेके आऊंगी क्योंकि मुझे पता है अर्थमेटिक तो आप मेरे साथ फिर भी पढ़ते रहते हैं. यू वॉन्ट कि आप लोगों को एडवांसमेंट्स भी मैं पढ़ाऊँ. ठीक है, तो ये जो सेशंस है ना, ये मैं जरूर कंडक्ट करूंगी सारे के सारे टॉपिक वाइज. ठीक है, अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग इज ऑल्सो, मतलब रीजनिंग का भी अगर हम सिलेबस देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स पूरी क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि हम इनमें से किसी भी टॉपिक से पूछ सकते हैं. ऐसे पर्टिकुलर रीजनिंग छोड़ नहीं दिया लिख के, एग्जाम एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है. सिमेंटिक एनालॉजी, ठीक है, आप लोगों को पता होगा फिगर एनालॉजी. मैं डिटेल अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी लेके आऊंगी सेशन को. ठीक है, आप जरा पढ़ लीजिएगा मेरे साथ साथ. ठीक है, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, फिगर सीरीज होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगी, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग के क्वेश्चन आप लोगों को दिखेंगे. अगर आप स्क्रोल करेंगे ना, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ. इफ यू स्क्रोल दिस, आप लास्ट में देखिएगा इसके अंदर हमारे को इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि जो कंडीशनल क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, कौन सा फॉल्स होना चाहिए, तो वहां पर उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आपको पॉलिटिकल थोड़े से टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं. ठीक है, तो ये सब आपकी मेहनत पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि आप इस एग्जाम को किस लेवल तक तैयार करते हैं. एज पर मी, लेवल शुड बी गुड, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा इस एग्जाम का. ठीक है, तो आप लोगों को सारे का सारा सिलेबस मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, आप इसकी पीडीएफ चाहे तो मेरे टेलीग्राम से उठा लीजिएगा. टेलीग्राम पॉइंट्स बाय गोपिका टेक्स्टबुक आप सर्च कर लीजिएगा, मैं वहां पे पीडीएफ डाल देती हूँ, ताकि आप एक एक टॉपिक से, जब आप तैयारी करें ना, तो सिंगल सिंगल टॉपिक को कवर करिएगा. यहाँ वेन डायग्राम भी है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हमारा इसको ले लेते हैं इस साइड पर. आपको वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी दिखेंगे. ठीक है, ड्रॉइंग इंटरफेरेंस, यानी एक सीखी नोट, पेपर फोल्डिंग भी इन्वॉल्व है. ठीक है, तो सारा सिलेबस रीजनिंग में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मेंशन ना कर रखा. वैसे जनरली आप सीजीएल के लिए सब कुछ तैयार करते ही हैं, अगर आप सीजीएल एस्पिरेंट भी रहे हो कभी, नहीं तो फिर आप लोगों को पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है वो देखना होगा, सिंगल सिंगल टॉपिक पे काम करना होगा. ठीक है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा. और हमारी टीम वाईपी सेशंस आपके लिए जरूर कंडक्ट करेगी. आपको क्या करना है, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप हमारे रेगुलर सेशंस में आ सके. ठीक है, जो भी हम एग्जाम ओरिएंटेड कंडक्ट करेंगे आगे सेशंस, आपको जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है. ये है टेलीग्राम, जहां से आप सेशंस की पीडीएफ उठा पाएंगे. मैं ये पर्टिकुलर पीडीएफ भी यहां डाल दूंगी कि आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सब. ठीक है, डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपके सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे. और अगर आप चाहते हैं डिसिप्लिन वे में तैयारी, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल पर चल के हमारे साथ टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं. गूगल पर जाके आप टेक्स्टबुक का फर्स्ट जो लिंक है वो क्लिक कर लीजिए. मैंने टेक्स्टबुक सर्च किया और ये लिंक क्लिक कर दिया, यहाँ सुपर कोचिंग पे क्लिक कर लिया मैंने. ठीक है, अब आप सुपर कोचिंग पे जैसे ही जाते हैं ना, तो इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए हम आपको डेडिकेटेड बैचेस देते हैं. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, इंजीनियरिंग एग्जाम्स की कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे, तो एजेई सिविल, एजेई इलेक्ट्रिकल. ठीक है, पर्टिकुलर आपके एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आ चुका है. ठीक है, 1499 में 6 मंथ्स का ये फुल कोर्स है. आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज. हमारे साथ ऐसा सीन नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर टीचर के लिए पेमेंट करते हैं. एक बार आप एनरोल कर लेते हैं तो आपको सारे कोर्सेज इसमें देखने लग जाते हैं. हम इसमें सारी रीजनिंग की क्लासेस आपको देने वाले हैं, पूरा फाउंडेशन बैच, जीरो से एडवांस तक. ठीक है, क्वांट की जीरो से एडवांस तक फुल कोर्स है. करंट अफेयर्स का पूरा कोर्स इसमें आपको मिलने वाला है. आप स्क्रोल करेंगे, ठीक है, अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, आप मेरा नाम है, कूपन कोड यूज कर सकते हो, गोपिका, अप्लाई मारिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. उम्मीद करती हूँ ये नोटिफिकेशन आपके बहुत काम की होगी, और इस एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आप तक पहुँचाती रहूंगी. थैंक्स फॉर जुड़े रहने के लिए. ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे.